जो लोग मेरे लिए नेगेटिव बोलते हैं ना, वो मेरी स्ट्रेंथ है। मेरे को ऐसा लगता है नहीं, इनको तो प्रूफ करके दिखाना ही दिखाना है। एक हमारा रिश्ता ना बहुत ट्रस्ट के ऊपर है। मैंने जो लॉकअप के अंदर किया, मैं फेक नहीं थी। पायल घर से बाहर निकली हैं, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें बोली हैं बिग लॉकअप को लेकर, कंगना को लेकर, आपको लेकर और मुनावर को लेकर। इन सारी बातों को, इन सारी नेगेटिविटी को किस तरीके से देखती हैं आप? और मैंने उसको देखा ही नहीं, सही बताऊँ तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिला कि मैं उसकी वीडियोस खोल के देखूँ, तो मुझे पता ही नहीं उसने क्या बोला है क्या नहीं। और मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, उसकी बातें मेरे लिए वेस्ट है। कहीं ना कहीं बुरा लगता है जब सोशल मीडिया पे लोग आपको ट्रोल करते हैं या बुरा भला बोलते हैं, किस तरीके से आप डील करती हैं इन सारी चीज़ों से? यार देखो, लोग जो करते हैं वो उनका ओपिनियन है, हम उनको रोक सकते हैं, मतलब उनको बोल सकते हैं कि मत करो, बट हम उनके सर पे जाके बैठ नहीं सकते कि नहीं आप नहीं कर सकते। यहाँ पे हर चीज़ जायज़ है, हर चीज़ जायज़ है। हम किसी को जाके ये चीज़ नहीं कह सकते कि ये तुमने गलत कर दिया, क्योंकि उनका काम है ना यार, ट्रोलिंग भी एक काम ही है ना। हम किसी को गलत नहीं कह सकते, वो उनका काम है, वो काम कर रहे हैं, तो लेट देम डू। सोशल मीडिया पे कई बार लोग तारीफ़ करते हैं, आपके भी दो फैन बेस हैं जहाँ तक जो मैंने देखे, मैंने कमेंट्स मैंने रीड करे हैं। एक जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक वो है जो सिर्फ आपके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं। उन नेगेटिव बातों को किस तरीके से जो लोग मेरे लिए नेगेटिव बोलते हैं ना, वो मेरी स्ट्रेंथ है, उनको मैं स्ट्रेंथ बना के चलती हूँ। कि अगर वो कुछ कहते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है नहीं, इनको तो प्रूफ करके दिखाना ही दिखाना है बस। आपके रिश्ते को, रिश्तों के बारे में भी कई बार लोगों ने बातें करी आपके और आकाश के बीच में, क्या रिएक्शन था उनका जब आप बाहर है? आकाश ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, और मतलब बहुत, एक हमारा रिश्ता ना बहुत ट्रस्ट के ऊपर है कि हम एक दूसरे पे इतना ट्रस्ट करते हैं, हम एक दूसरे को इतना जानते हैं कि लाइक हम किस सिचुएशन के अंदर क्या रिएक्ट करेंगे। जो वो रिएक्ट करेगा वो भी मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है। और मैंने जो लॉकअप के अंदर किया, मैं फेक नहीं थी, जो भी मेरा था बहुत रियल था। अगर मेरे को किसी के लिए फीलिंग्स थी, अगर मैं किसी से दोस्ती कर रही थी, अगर किसी को अपना भाई बोल रही थी, बहन बोल रही थी, तो वो सब रियल था, क्योंकि मैं अपनी रियल लाइफ में भी ऐसे ही रहती हूँ। अपने दोस्तों की केयर करना, अपने मम्मी पापा की केयर करना, अपने भाई भाभी की केयर करना, तो वो मेरा रियल नेचर था। तो बाहर आके भी मैं वैसी हूँ, तो उनको पता है कि मैं अंदर जो कर रही थी दैट मतलब वो रियल अंजलि थी, तो उनका क्या रिएक्शन होगा, उनको पता है वो वैसी है यार। मम्मी डैडी का क्या रिएक्शन था जब आप बाहर आए थे? दे प्राउड, मतलब वो इतना प्राउड फील कर रहे थे। जब मैं पापा से पहली बार मिली, बाहर निकलते ही मेरे को, मेरे पापा को अंदर आने नहीं दिया था ग्रैंड फिनाले में, एक ही पेरेंट अलाउड था, तो पापा ने बस गले लगा के बोला प्राउड ऑफ यू। तो वो जब सुना ना मैंने, मैं मतलब रोई वहाँ पर, और मतलब पापा बहुत मिस किया, क्योंकि एक बार भी मतलब घर, जो लड़की अपने घर वालों के बिना रहती नहीं, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, चाची चाचू, मेरे दो छोटे भाई वंशु मंकू, तो मेरी वो आदत ही नहीं है कि मैं अकेले जाके रहूं, इतने नए लोगों के साथ रहूं, तो वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि उनको मिस करना। फिर मैं मैसेज भी नहीं दे पाती थी कैमरा के सामने जाके कि मम्मा आई मिस यू, जब भी बोलने जाती थी मैं रो पड़ती थी, तो वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, बट मैंने बहुत अच्छे से किया। और मेरी मम्मा खुश शौक थी कि 2.5 महीने रुक कर आई है अंदर, तो वो एक प्राउड मोमेंट था कि हाँ मैं 2.5 महीने अपनी फैमिली के बिना वहाँ पर सर्वाइव करके आई हूँ। जो पहले दिन आप अंदर गई, जिस तरीके से आपने 2.5 महीने का जिक्र किया है अपने, तो पहले दिन में लगा था कि मैं 2.5 महीने सर्वाइव कर जाऊंगी? बोल्ड यू ना कि पहले हफ्ते तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मुझे निकाल दो, कहाँ डाल दिया, बिकॉज था ना धूप ना हवा ना कुछ, और वहाँ पे टाइम नहीं पता चलता था, हमें सिर्फ बहुत कम नींद मिलती थी कि लाइट्स ऑन है और आपको सोना है, तो वो सब बहुत डिफ़िकल्ट था। बट धीरे 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 ना उसको हमने एक्सेप्ट किया कि नहीं करना है तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ करना है, तो वो हमने बहुत बखूबी किया। आपके अलावा, अगर आपकी जर्नी तो बेहद यादगार रही है, अगर आपके अलावा आप किसी और की जर्नी के बारे में बोलना चाहोगे, तो आप किसकी जर्नी के बारे में कहना चाहोगे कि उसकी जर्नी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो? साइशा, क्योंकि साइशा एक मतलब उसने हर चीज़, वो शी इज़ लाइक मी है ना, वो हमेशा हम दोनों एक दूसरे को बोलते थे कि, वो मेरे को भी बोलती थी कि यू आर लाइक मी, हम दोनों सेम, हमारा बर्थडे भी आसपास है, मेरा 3 नवंबर उसका 5 नवंबर, तो एक हमारा नेचर, हमारी चीज़ें, हम बहुत इमोशनल हैं, बहुत अटैच हो जाते हैं, तो जैसे उसके साथ हुआ, वो उसको बाहर निकाल दिया गया था, फिर वो आई, और उसको जब मेरा झोलघर हुआ था, तो उस वो मेरे झोलघर में उसको मैंने अंदर लेकर आई थी, तो वो उसकी जर्नी भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, इंस्पायर करती है वो, और जिस कम्युनिटी को वो मतलब बिलोंग करती है, वो उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती है, वो हर जगह स्टैंड लेती है, तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी उसके लिए। मुनावर की जर्नी की अगर बात की जाए, तो उनकी जर्नी किस तरीके की लगी?
वो तो सबको ही पता है बहुत अच्छी थी, उसने बहुत अच्छे से खेला डे वन से, उसने सीधा उसका गोल था कि ट्रॉफी चाहिए मुझे और वो लेकर गया। दैट इज़ गुड कि आप अपने माइंड से बिल्कुल क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए, कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ पे इमोशनल इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पे आप चीज़ें बता रहे हो। तो उसका एक सेम अच्छा गोल था कि मुझे ट्रॉफी चाहिए और वो लेकर गया, दैट इज़ वेरी गुड। उसका माइंड, उसके स्किल्स बहुत अच्छे। लगता है आपको कि वो डिजर्विंग विनर है? यस ही इज़। उसने यार देखो कोई भी चीज़ आपको बिना मेहनत के नहीं मिलती, तो उसने मेहनत की है और उसको वो चीज़ प्राप्त हुई है। और अगर इसकी अगर बात की जाए तो मुनावर के अलावा और कौन आपको लगता है कि वो उसको विनर बनना चाहिए था? आपके अलावा, आपके अलावा, मुनावर के अलावा और क्या लगता है आपको किसको विनर बनना चाहिए? आई डोंट थिंक सो, नो कमेंट। और क्या आने वाला? सब अपनी जगह विनर हैं, जो जो जितना भी वक्त वहाँ पर बिता कर गए हैं सब अपना बेस्ट देकर गए हैं। कोई भी यहाँ पर ये सोच कर नहीं आया था कि मुझे यहाँ एक हफ्ते में जाना है, मुझे दो हफ्ते में जाना है। सब अपना पूरा पूरा अपना 100% दे रहे थे, बाकी किस्मत के ऊपर है। और बाकी मतलब शायद उन्होंने कुछ ना कुछ छोड़ा होगा इसलिए, जहाँ पे उनको ये पता नहीं चल रहा होगा कि हमने ये कमी छोड़ी है, पर हाँ उन्होंने छोड़ी होगी तभी वो बाहर गए हैं। तो सब अपनी जगह विनर हैं, चाहे वो पहले हफ्ते में कोई गया हो या तो लास्ट हफ्ते में गया हो, सब अपनी अपनी जगह विनर हैं, अपनी लाइफ के हीरो हैं। खतरों के खिलाड़ी में भी जा रहे हैं मुनावर, उस पर क्या रिएक्शन है आपका? आई विश कि वो जीत कर आए,